गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना पर निरंतर नजर रखी जा रही है, अभी स्थिति नियंत्रण में है। विगत 24 घंटे में मात्र 8 केस पॉजिटिव, जबकि 11 लोग ठीक होकर गए, तो प्रदेश में अभी 98 एक्टिव केस मौजूद हैं। आश्चर्य है कि जिनकी सरकार ही सड़कों के कारण चली गई, वे ही सड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने यह कहा, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना और 6 घंटे में ही यह घोषणा करना कि अगला चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह एक ओछा मजाक है। इससे कांग्रेस का दलित विरोधी असली चेहरा भी उजागर हो गया है। अजय सिंह की रियासत और उनकी राजनीतिक विरासत का सही उपयोग कांग्रेस नहीं कर रही है। यह सही है कि अजय सिंह मेरे मित्र हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह क्षेत्र विकास के संबंध, अब आदरणीय चन्नी जी के प्रति ये व्यवहार उनका, इधर शपथ कराई, अरे खड़ा हूं मुख्यमंत्री क्यों बनाना था 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद सिद्धू जी बन जाएंगे घोषित भी कर दिया, अब अधिकारी इनकी सुनेंगे क्या? इन्हें अयोग्य और फेल कराने के लिए एक व्यक्ति को ये जो मजाक है, मैं तो इसको ओछा मजाक ही मानता हूं। अजय सिंह जी की थोड़ी दूर ऊपर कर लो, स्थिति लगातार नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 8 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं एवं ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, अपने घरों की ओर जो गए हैं वो 11 लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण में 98 एक्टिव केस, 98 कुल बचे हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.013% ही रह गई है। रिकवरी दर, ठीक होने की दर स्थिर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमने 60,562 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए हैं।